भाई ये है स्क्वायर टावर और यहीं पे लगती है चौपाटी, ये देख सकते हो मस्त। तो भाई अपन जा रहे हैं स्क्वायर टावर। तो ये रही अपनी प्रिंस भाई की शॉप, मतलब सॉरी पार्लर, और ये खड़ी अपनी बाइक। अभी चलते हैं ऊपर दर्शनों पर। सो गाइज ये है मेरा लुक। अभी मैं जा रहा हूँ एक अपनी शॉर्ट राइड पे जो कि है भोपाल से उज्जैन की ओर। तो देख सकते हो मैं फुल रेडी हो चुका हूँ, बाकी बातें बाइक पे चल के करते हैं, क्योंकि है ना मैं पहली बार जा रहा हूँ सोलो ट्रिप पे, वो भी उज्जैन और इंदौर। तो कम से कम 300 किलोमीटर है एक साइड से आना जाना, तो उसके बाद जाते हैं और देखते हैं कि कैसे मैं राइड परफॉर्म कर पाता हूँ अच्छे से, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो चलो मैं हो चुका हूँ रेडी, अपना GoPro Insta360 सब रेडी हो चुका है, बस निकलते हैं और मिलते हैं सीधा बाइक पर। हेलो, सो गाइस ये है अपना पहला सोलो ट्रिप। अभी फ्यूल इसमें बाइक में कम है, 70 किलोमीटर दिखा रहा है, क्या है इसकी अब मुझे मीटर समझना पड़ेगा। 923 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। अभी हम हैं अपने घर पे, तो मैं जा रहा हूँ भोपाल से उज्जैन, उज्जैन से इंदौर। फ़िलहाल इसमें पेट्रोल कम है, तो पहले चलते हैं फ्यूल कराते हैं और उसके बाद देखते हैं इसका ज़ीरो ट्रिप करके ये कितने किलोमीटर ये जाने वाली है। तो अभी दिखा रहा हूँ मैं, देखो अभी तो 68 किलोमीटर जाएगी, रेंज दिखा रहा है मुझे फ्यूल की। फ्यूल कंजम्पशन 15, 16, 26। सो गाइस इसमें पहले फ्यूल कराते हैं, मैं एटलीस्ट 1500 का करा लेता हूँ, उसके बाद देखूँगा कि ये कितनी चलती है। सो गाइस इसका टैंक है 17 लीटर का और अभी हम करा रहे हैं इसमें 1500 का पेट्रोल। पकड़ना ही पड़ेगा आपको, अंदर नहीं जाएगा पाइप। सो गाइस अभी हम करा रहे हैं इसे 1500 का पेट्रोल, देखते हैं कितना आता है। कितना आया, फुल हो गई टंकी। 1500 रहने दो, जितना हुआ तो नहीं कर दो है, भर गई है। फुल। सो गाइस अभी हो चुका है ट्रिप ज़ीरो और 924 किलोमीटर चल चुकी है बाइक अभी तक। अभी मैं घर से जस्ट चला ही हूँ, अब देखता हूँ कि मैं उज्जैन कितने किलोमीटर में पहुँचता हूँ और कितना फ्यूल ये खाती है मेरी हिमालयन 450, वैसे क्या एवरेज देती है, वो सब हम नोटिस करेंगे रास्ते में। तो एक अंदाज़ा है, पहली ट्रिप है ये मेरी जो कि मैं करने वाला हूँ उज्जैन तक, उज्जैन से फिर इंदौर भी जाऊँगा अगर टाइम मिला तो। फ़िलहाल तो हम से महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं, तो देखते हैं आप भी बने रहो इस जर्नी में मेरे साथ और महाकाल के दर्शन करने चलो तो आपका भी स्वागत है। सो गाइस शुरू करते हैं व्लॉग को यहाँ से हम। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PS फिल्म। तो आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज की जर्नी जो है वो होने वाली है उज्जैन, महाकाल के दर्शन, वहाँ तक जाएंगे। काफ़ी दिनों से सोच रहा था मैं एक ट्रिप करने का, बाइक अब नई ली है तो यार चलाना तो बनता है ना नई बाइक के साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना महाकाल को ही चुना जाए क्योंकि वो ही पास में है और 300 किलोमीटर का रेंज है, मतलब 3 घंटे का रास्ता है, 200 किलोमीटर की रेंज है, 200-250, तो पहुँच जाएंगे इसी बहाने, दर्शन भी हो जाएंगे और बाइक की रनिंग भी हो जाएगी। 2 महीने हो गए बाइक नहीं चलाई, 925 किलोमीटर गए होगी लोगों की, यहाँ का 3000 किलोमीटर हो चुके हैं। भाई बाइक के रिएक्शन इतने खतरनाक मिल रहा है मुझे अभी इस वक्त, क्या बताऊँ। जहाँ से भी निकल रहा हूँ सारी पब्लिक ऐसे देख रही है बाइक को कि भाई साहब कौन जा रहा है, अजूबा। मोस्टली लोग अपनी डेली लाइफ में रहते हैं, डेली आउटफिट में रहते हैं अपने ऑफिस में, बट अभी ये राइडिंग गेयर्स में अगर लोग पब्लिक देख लेती है ना तो फिर वो अलग ही सोच लगती है कि अरे भाई साहब राइडर है, और जिसको नहीं पता होता वो सोचता है अरे कौन है, कौन सा अजूबा जा रहा है। आज सारे सिग्नल बंद हैं भोपाल के, और अभी हम पहुँचे हैं न्यू मार्केट, अभी हमें जाना है VIP से फिर सीधा हाईवे पकड़ेंगे और सीधा गायब। तो
गाइस ये खड़ी है अपनी ताऊ और हमें अभी सीओर वाले हाईवे पे भी ये है भेड़ागढ़ और यहाँ से है सीओर, तो ये अपनी ताऊ खड़ी है यहाँ पे। बस अब यहाँ से निकलते हैं, डोड़ी बस स्टॉप लेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे उज्जैन के लिए। तो ये है आज का मौसम, अभी टाइम हो रहा है 11:30 11 बजने वाले होंगे, लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो चलो बाइक पर बैठते हैं और चलते हैं। गाइस हाईवे ट्रीट डोड़ी आ चुका है, तो यहाँ पे रुकना तो बनता, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बाइक के इंजन को भी आराम देते हैं और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं। सुबह तो वैसे हमने नाश्ता कर लिया था घर से चले थे, तो बट अब इतनी दूर आए हैं तो यहाँ पे रुकते हैं। तो ये तो सब लोगों का स्टॉप पॉइंट है ही, सब लोग यहीं पर रुकते हैं, तो हम क्यों ना रुकें भाई, फीलिंग लेंगे, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, यहाँ पर खड़े होंगे, थोड़ा सा अटेंशन पाते हैं लोगों का, देखते हैं कौन कौन आता है बाइक को देखते हैं। वैसे तो बाइक देख ही रहे हैं सब रास्ते भर में, तो चलते हैं पेट पूजा करते हैं। और यहाँ पे हमने अपना हेलमेट और जैकेट उतार दिया है और मैं आ चुका हूँ डोड़ी। हालत देख रहा हूँ कितनी ख़राब हो रही है, अभी जा रहे हैं वॉशरूम और फ्रेश होते हैं, उसके बाद निकलते हैं सीधा उज्जैन के लिए। सुबह ही आ चुकी है अपनी चाय और ये रहा समोसा, बस चाय एंजॉय करेंगे डोड़ी की, ये रहा डोड़ी। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं उज्जैन, 40 किलोमीटर बचा है उज्जैन अभी, तो ये खड़ी अपनी ताऊ बढ़िया सी, बस यहाँ से निकलेंगे। मक्स की है 32, आगरा है 556 और यहाँ है रतलाम और उज्जैन है 40 और यहाँ हमारे भाई आ गए दो। उज्जैन कितना, 40 ही है? चलो हमारे दो भाई आ गए यहाँ पे, बढ़िया। क्या नाम है भाई आपका? चलो भाई बढ़िया भाई, पलाश भोपाल दर्शन करने जाए हैं उज्जैन महाकाल। सो गाइस दर्शन कर लेंगे, कितना बचा है यहाँ से अंदर? 35 यहाँ से अंदर सिटी कितने में आएगा? 35 में आ जाएगा, वो जो दरबार आता गेट वो 1-8 किलोमीटर अंदर अंदर है। चलो चलो ठीक है, ओके भाई अंदर आ जाए। हाँ ये यूट्यूब चैनल है, ये सुन देखना आप लोग देखोगे। चलो चलो गाइस तो अभी चलते हैं बढ़िया दर्शन करके वापस लौटते हैं। पूछने के लिए कि भाई कहाँ जाना है, तो भाई ने बताया टावर स्क्वायर चले जा, तो अभी मैं जा रहा हूँ वो टावर स्क्वायर, मैप मैंने डाल दिया है, अब देखता हूँ कहाँ ये टावर स्क्वायर, बोल रहा सीधे चले जा। सो गाइस हम आ गए हैं माँ मृत्युंजय द्वार पर, यहाँ एक फ़ोटो खींचते हैं बाइक की फिर चलते हैं आगे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अभी उज्जैन और अभी मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए महाकाल मंदिर, तो यहाँ से पकड़ते हैं ई रिक्शा और सीधे निकलते हैं मंदिर की तरफ, है ना। बाइक मैंने लगा दी है उसके पार्लर पे, तो अपने है ना प्रिंस भाई का पार्लर था वहाँ पर लगा दी है बाइक, अब जा रहे हैं दर्शन करेंगे, तो ई रिक्शा कहाँ से मिलेगा, चलो वहाँ खड़े रहते हैं इतने सारे, वहाँ जाता हूँ और इन लोगों से पूछता हूँ। महाकाल जाना भैया महाकाल, रुक जा भैया रुक जा। तो भाई हम आ चुके हैं अभी ई रिक्शा में और जा रहे हैं महाकाल टेंपल, ईश्वर आपकी यात्रा मंगल करे, भाई ने लिख के रहा है यहाँ पे। तो अभी प्रिंस भाई से बात हुई थी, तो प्रिंस ने कहा कि यहाँ से आप निकल जाओ, नितेश भाई यहाँ पे है नहीं अभी, नितेश इधर आ गया, अगर होते तो अपना काम बन जाता, पर अभी हम मस्त जा रहे हैं ई रिक्शा करते हुए। ये देखो तो मंदिर जाएंगे, मंदिर घुमाएंगे आपको बढ़िया सा। सो भाई अगर मैं बाइक लेके आता ना तो फंस जाता बहुत बुरी तरीके से, बाइक मैंने लगा दी है पार्लर के बाहर, अब यहाँ पे आ चुका हूँ मंदिर, यहाँ से कर रहा हूँ एंट्री। तो ये है पीछे है मेरे महाकाल मंदिर, अब यहाँ से जाते हैं अंदर, देखो तो पहले तो तिलक लगाते हैं महादेव पे महाकाल का, उसके बाद ही जाएंगे अंदर मस्त। ओ।
सो गाइज मैं आ चुका हूँ महाकालेश्वर मंदिर, ये देख सकते हो द्वार, यहाँ से एंट्री है अंदर जाने की, यहाँ से पूरी लाइन लगी है, इस लाइन में जाना है पूरा। और अभी मैं जाता हूँ, अभी पहले मैं कॉरिडोर घूमूँ, लास्ट टाइम आया था मैं कॉरिडोर नहीं घूम पाया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी पूरा काम चल रहा है, बीच में तालाब के बीच में जाने के लिए कुछ स्पॉट ऐसा बना रहे हैं अभी। तो कॉरिडोर बहुत लंबा है एक्चुअली, लास्ट तक है वहाँ तक, और मैं लास्ट टाइम भी नहीं जा पाया था, तो अभी आया हूँ सुकून से, एक राउंड मार के आता हूँ पहले कॉरिडोर का, फिर जाऊँगा दर्शन करूँगा, उसके बाद बैक टू होम या फिर इंदौर, इंदौर भी जा सकते हैं या फिर बैक टू होम जा सकते हैं हम। यहाँ देखो भाई, ये कर रहा हूँ मैं पराठा, उज्जैन के अंदर आलू पराठा मंगवाया, दही मंगवाई और अचार खाएंगे और मस्त 40 रुपये का एक पराठा है। सुबह ये अपन जा रहे हैं अभी यही टावर स्क्वायर टावर, और भैया ही मुझे मिल जाए यहाँ पे मस्त, 20 रुपये में आया था, 20 रुपये भैया से लेके जा रहा था, बढ़िया तरीके से दर्शन हुए। भैया का ऑटो भी नया, इलेक्ट्रिक ऑटो भैया, ये अरे टावर चल रहा है टावर, ये मिल गया मुझे भैया, भैया आपका नाम बताओ, इरशाद, इरशाद भाई मिल गया मुझे, बढ़िया यहाँ पे मिल गया, यहाँ ऑटो शक्ल भी देख लो आप, इरशाद भाई मिल गया मुझे बहुत बढ़िया तरीके से। सो भाई ये है स्क्वायर टावर और यहीं पे लगती है चौपाटी, ये देख सकते हो मस्त उज्जैन की, तो यहाँ पर हम पी रहे हैं मस्त ठंडा ठंडा जूस और फिर निकलेंगे इंदौर के लिए, रेडी होते हैं यहीं पर ही है प्रिंस भाई का पार्लर, आगे वो भी दिखाता हूँ। तो ये रही अपनी प्रिंस भाई की शॉप, मतलब सॉरी पार्लर, और ये खड़ी अपनी बाइक, अभी चलते हैं ऊपर दर्शन ऊपर, अब जाते हैं ऊपर और चेंज करते हैं और निकलते हैं। सो गाइस मैं हूँ, कुछ खाएंगे? नहीं नहीं मैं खा के आया था बस, कचौरी वगैरह नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू, बस अब निकल रहा हूँ। तो भाई ये है प्रिंस भाई का पार्लर और यहाँ पर मैं आया था, यहाँ पर तो बहुत बढ़िया खातेदारी हुई, तो लेडी बॉस ये है पूरा पार्लर, यहाँ पे देख सकते हो, तो प्रिंस भाई ने अच्छी खातेदारी कराई है हमारी यहाँ पर, ये देखो ये है उनका पार्लर और ये देखो पूरा, थैंक यू। तो ये है शैली दीदी, अरे नहीं नहीं हम दर्शन करके आए हैं तो हम आपको देंगे, तो ये है शैली दीदी यहाँ की बॉस, बढ़िया यहाँ पे पूरा पार्लर देखती हैं, तो थैंक यू दीदी बहुत अच्छा वेलकम किया मुझे, तो प्रिंस आपको ना मैंने उसमें देखा वीडियोस में, क्या क्या होता है लेडी से जुड़ी सारी ब्यूटी सैलून से जुड़ी सारी सर्विसेज, ये मेनली तो हम लोगों का मेकअप है, हेयर स्टाइलिंग है, ओके, और स्किन हेयर नेल्स सारी चीजें, सारी चीज। तो गाइस जो भी उज्जैन से हो तो प्लीज़ यहाँ पर आओ और यहाँ पे विजिट करो, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, यहाँ पे दीदी मिलेंगी आपको, तो इनसे आके मिलो, थैंक यू। सो गाइस अभी हम निकल रहे हैं उज्जैन से, मैंने अपना प्लान जो है ना ड्रॉप कर दिया है, मैं पहले प्रिंस को कॉल लगाऊं, चलो गाइस, चलो भैया मिलते हैं, ओके भाई चल भाई, जय श्री महाकाल भैया, जय श्री महाकाल भैया, बढ़िया लोग हैं यहाँ के। अभी ये कहाँ से दिखा रहा मुझे पॉइंट, मैंने तो अपना पूरा तामझाम उठा के रख दिया अपने टॉप बॉक्स के अंदर, अरे चच्ची चुप हो जाओ, पता नहीं कहाँ का मीर माँ चिल्ला रही है, मुझे क्या मालूम, पहली बार आया हूँ मैं उज्जैन, अब देखूँगा तो पता चलेगा मुझे, यहाँ से जाना है, ओके जय श्री महाकाल। तो गाइस महाकाल की नगरी को हम कर रहे हैं अलविदा और हम जा रहे हैं अब बैक टू भोपाल। सो गाइस आज रात का सफ़र है, हमने मैप लगा दिया अपनी बाइक पे और हमारा पूरा लोड हो गया सामान हमारे टॉप बॉक्स में, जिसकी हमें कोई टेंशन ही नहीं है, अब फ्री होके बाइक चलाएंगे जिससे कि हमारे पीठ पे कोई लोड ना आए, बढ़िया। सो गाइस देख रहा हूँ बाइक पे नींद भी नहीं आएगी और अच्छे विचार भी आएंगे, तो हम अभी सुन रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी की वाणी, ये सुनते सुनते हम
घर पहुंच जाएंगे। अब सुनते हुए चलेंगे। जय श्री राम। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी चल रही है और हम जा रहे हैं घर की ओर।